आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन सीरीज आपको कंसीडर करने एलिमेंट्स NPOS मतलब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन एंड सल्फर, एंड देम आपको अरेंज करना है इनको इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग नॉन मेटालिक करेक्टर, राइट। सो देखो, सबसे पहले आपको समझना होगा अगर हम बात करते हैं किसी भी एलिमेंट के नॉन मेटालिक करेक्टर की, राइट। सो नॉन मेटालिक करेक्टर बेसिकली उस एलिमेंट की टेंडेंसी होती है कि वो कितना ईजिली आपका इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकता है, गेन कर सकता है। गेन कर सकता है मतलब कितना ईजिली आपका एक्सेप्ट कर सकता है इलेक्ट्रॉन्स को, राइट। सो आपको यहाँ पे देखना होगा, अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ आपका नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, ऑक्सीजन हो गया और सल्फर हो गया, राइट। सो ये सारे एलिमेंट्स की अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर, सो आपको समझना होगा। देखो, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस आपके क्या है, ग्रुप 15 से बिलोंग करते हैं, एंड आपके 16 में आपके पास आते हैं ऑक्सीजन और सल्फर, राइट। क्लियर? सो इस टाइप से आपके पास क्या एलिमेंट्स होंगे। अब देखो, आपके ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन आपके सेकेंड पीरियड के हैं, फॉस्फोरस सल्फर आपके क्या है, थर्ड पीरियड के। अब मुझे यहाँ पर इनका नॉन मेटालिक करेक्टर जानना है। सो आपको यहाँ पर समझना होगा होता क्या है कि गेन करने की, इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी की अगर मैं बात करती हूँ, सो इसको आप ऐसे समझ सकते हो। देखो, होता क्या है कि अगर एक एलिमेंट है, ये उसका न्यूक्लियस है और ये क्या है, उसकी शेल्स है, राइट, और ये वैलेंस शेल है। सो हमेशा इलेक्ट्रॉन जो होता है वो वैलेंस शेल में एक्सेप्ट होता है। अगर कोई इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आपका आ रहा है वैलेंस शेल में, सो वो देखो आपका उतना सभी स्टेबल होगा जब इस इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस पे जो चार्ज है उनके बीच में अट्रैक्शन होगा वो ज्यादा होगा, राइट। और वो कब पॉसिबल है, जब आपका साइज क्या होगा, लेस होगा, राइट। अगर साइज लेस है तो जेड इफेक्टिव जो होगा वो ज्यादा होगा, राइट, इंक्रीज इज फाइन। सो जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा, सो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन भी आपका क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा, फाइन। सो आपको बताइए कि अक्रॉस द पीरियड जब हम मूव करते हैं, सो हमारा साइज जो होता है वो डिक्रीज करता है, इट मीन्स आपका नॉन मेटालिक करेक्टर जो होगा वो इंक्रीजेस। बट अगर मैं अक्रॉस द ग्रुप जाती हूँ, सो मेरा साइज जो होता है वो इंक्रीज करता है, इट मीन्स आपका नॉन मेटालिक करेक्टर जो होगा वो डिक्रीजेस, राइट। क्लियर? सो यहाँ पर अगर मैं ऑर्डर की बात करूंगी आपकी, देखो ऑर्डर हमें इंक्रीजिंग में बताना है, मतलब सबसे कम से ज्यादा, राइट। सो देखो, सबसे कम आपका फॉस्फोरस का होगा, इजंट इट, क्योंकि आप देखोगे कि जब हम नाइट्रोजन से फॉस्फोरस में जा रही हूँ मैं, देखो इसको ऐसे कंपेयर कर सकते हैं, अगर मैं नाइट्रोजन से फॉस्फोरस में जाती हूँ, सो आपको साफ से समझ में आ रहा होगा कि नाइट्रोजन का फॉस्फोरस से ज्यादा होगा, राइट। फॉस्फोरस से सल्फर में जाऊंगी तब भी आपका क्या है, सब सल्फर का ज्यादा होगा किससे, फॉस्फोरस से, राइट। फिर अगर मैं देखो नाइट्रोजन से ऑक्सीजन टूवर्ड्स जाती हूँ, सो ऑक्सीजन का ज्यादा होगा नाइट्रोजन से, और ऑक्सीजन से मैं सल्फर की तरफ जाती हूँ तब भी ऑक्सीजन का क्या है, सल्फर से ज्यादा, राइट। सो हम अगर मैं सारे केसेस देखती हूँ, सो आप देखोगे यहाँ पर हम ये कंपेयर कर सकते हैं कि आपका ऑक्सीजन सबसे ज्यादा होगा, इजंट इट, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा होगा, राइट। सो ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा होगा, फिर नाइट्रोजन का होगा क्योंकि वो दोनों ही सेकंड पीरियड के, राइट। फिर हम थर्ड पीरियड वालों को कंपेयर कर लेते हैं, तो उसमें फिर आपका सल्फर आएगा और फिर आपका कौन आएगा, फॉस्फोरस। सो ये ऑर्डर आपको देखने को मिलेगा, बट ये मैंने आपका डिक्रीजिंग में अरेंज कर दिया, इसको हम आपका इंक्रीजिंग में लगा देते हैं, सबसे कम से ज्यादा में, फाइन। सो ऑर्डर हो जाएगा आपके पास फॉस्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, राइट। सो ये करेक्ट ऑर्डर होगा आपका। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।